क्या बागेश्वर धाम जा सकती है पाकिस्तान से आई सीमा? बाबा ने कहा कि वो धाम में आए और हम उनकी भी बनाएंगे पर्ची। दुनिया भर में सुर्खियां बटोर चुकी पाकिस्तान की सीमा है दर, इस समय भारत के बच्चे बच्चे की जुबान पर आ चुकी हैं। पाकिस्तान से भारत केवल अपने प्यार को पाने के लिए आई सीमा है दर, अब बाबा बागेश्वर धाम भी जा सकती हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए पूरी वीडियो में बताते हैं। किस तरह बाबा बागेश्वर ने भी कह दिया कि वो हमारे धाम आए, हम उनकी भी पर्ची बनाएंगे। देखिए, अब तक आपने सुना होगा कि सीमा हैदर दुबई, नेपाल और न कितने सारे हथकंडे और अनेकों देशों की सीमा को पार करके भारत आ पहुंची हैं। इस समय हर एक व्यक्ति की नज़र सीमा हैदर पर है और एक एक प्रतिक्रिया पर ETS की टीम टकटकी लगाए बैठी है। अब ऐसे में हाल ही में बाबा बागेश्वर ने अपने एक इंटरव्यू में कह डाला कि सीमा हैदर हमारे धाम में आए और अपने बाबा यानी कि उनकी शक्तियों से पूछकर वो जरूर बताएंगे कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। जानकारी के लिए आपको बता दें, दरअसल इंटरव्यू के दौरान बाबा बागेश्वर से जब एंकर ने सवाल पूछा कि क्या आप सीमा हैदर के बारे में बता सकते हैं आगे को उनके साथ क्या होगा, जिसका जवाब देते हुए बाबा बागेश्वर ने जवाब देते हुए पहले तो ये कहा कि जो कुछ भी होगा वो देश के कानून के मद्देनजर होगा, IPC की धारा कहेगी वही होगा। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने कहा कि आधे उन्हें परिणाम के बारे में जानने की जिज्ञासा है, तो वे हमारे धाम आए और हम अवश्य उन्हें बताएंगे। देखिए, बाबा बागेश्वर अपनी शक्तिशाली विद्या से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और फिलहाल उनके करोड़ों की तादाद में फॉलोअर और चाहने वाले हैं। केवल यही नहीं, बड़े बड़े दिग्गज नेता, अभिनेता सभी उनके फैन हैं। ऐसे में जब से सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई तो लोगों ने भी ये कहा कि बाबा बागेश्वर से पूछिए इसका क्या करना चाहिए। ऐसे में बाबा बागेश्वर के इस जवाब के बाद आपको क्या लगता है कि सीमा हैदर को जल्द से जल्द बाबा बागेश्वर जाना चाहिए, जिससे कि पूरे देश को सीमा हैदर की सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा? आपको क्या लगता है कि सीमा को सच में जाना चाहिए बाबा बागेश्वर के पास? अगर हाँ तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह वीडियो सीमा हैदर तक पहुँच जाए, क्योंकि सीमा वैसे भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं।